पन्ना जिले के अमानगंज नगर परिषद की अध्यक्ष सारिका खटीक के द्वारा अमानगंज नगर विकास के लिए लगातार सक्रियता दिखाई जा रही है और इसी क्रम में उनके द्वारा अमानगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जब निरीक्षण किया गया तो यहां रखा फ्रीजर उन्हें खराब मिला। उन्होंने इस पर स्टाफ को काफी खरी खोटी सुनाई। अध्यक्ष सारिका खटीक, उपाध्यक्ष सौरभ दुबे एवं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अंकित मौर्य के साथ तमाम पार्षदों की टीम के द्वारा अमानगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया, जहां लेबर वार्ड में पहुंचकर नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा मरीजों के साथ बातचीत की गई और उनका हालचाल पूछा गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि यहां पर एक खराब फ्रीजर पड़ा है जिसको सुधरवाने के लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। इस पर नगर परिषद अध्यक्ष ने अस्पताल प्रबंधन के कर्मचारियों को फटकार लगाई। हमारे अपने स्वास्थ्य सफाई के मुद्दे को लेकर निरीक्षण किया। हॉस्पिटल में साफ सफाई की व्यवस्था क्या है, किस किस डॉक्टरों की ड्यूटी है, अपने यहाँ जो प्रसव वाली महिलाएं हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई परेशानी तो नहीं है, उनसे कोई मतलब काम के नाम पर कोई राशि तो नहीं ली जा रही है। बच्चों के वार्ड भी देखे कि बच्चों के वार्ड में क्या सुविधाएँ हैं, साफ सफाई सही तरीके से है कि नहीं है, इसी मुद्दे पर अपन ने अस्पताल का निरीक्षण किया। जैसे कि अमानगंज में अमानगंज स्वास्थ्य केंद्र में पीने के पानी के लिए परेशानी होती है, आरओ वगैरह की व्यवस्था नहीं है, एक आरओ है वो जंग खाया हुआ है, फ्रीजर खराब पड़ा है, इसको लेकर क्या आगे के लिए? क्या अभी तक तो अपने पास ऐसा कोई मतलब अस्पताल की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं गई, ना कोई डिमांड गई है कि कोई कमी है तो उसको पूरा किया जाए। अपन इसी निरीक्षण में आए थे कि यदि अस्पताल में कोई दिक्कत आती है और यदि हम उसके सहयोग के लायक हैं तो हॉस्पिटल में से स्टाफ से डिमांड की जाए और अपन उसका सुधार करवाएं। क्योंकि हम लोगों के आने का टाइम थोड़ा सा गलत था, अभी हम लोग 2:00 से 5:00 के बीच में आए हैं जो कि छुट्टी का टाइम है, ना डॉक्टर उपस्थित मिले हैं ना ही स्टाफ अच्छी मात्रा में उपस्थित मिला जिस प्रकार से यहाँ पर है, और जो भी कर्मचारी मिले हैं तो उनने ये कहा है कि हमारे यहाँ एक महिला डॉक्टर होना ज़रूरी है और एक बच्चों का डॉक्टर होना ज़रूरी है और ये व्यवस्थाएं अति आवश्यक है और ये हमारे अस्पताल में होना ज़रूरी है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी इस मांग को पूरी कर सकें।